हेलो माय डियर स्टूडेंट माय नेम इज मुसेफ अली आई एम केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ ए आर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल डोल्टन का और बोर के परमाणु मॉडल के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिया था तो आज का हमारा नया टॉपिक है मोलर मास आज का हमारा टॉपिक क्या है मोलर द्रव्यमान आपके पास कोई भी परमाणु दे देते हैं उन परमाणु का मोलर मास किस तरह अपन निकालते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे ठीक है स्टूडेंट्स तो मोलर द्रव्यमान मोस्टली होते क्या है मोलर द्रव्यमान को दूसरे वर्ड में बोलते हैं अणुभार क्या बोलते हैं इसको अणुभार बोलते हैं इसको दूसरे वर्ड के अंदर तो अब मैं बात करूं यहां पर मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं कि कोई भी जब परमाणु होता है आपके पास उस परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यू इलेक्ट्रॉन उन दोनों का योग क्या कहलाता है उन दोनों का योग जो है मोलर द्रव्यमान कहलाता है अपन ने एक बात की थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की किस तरह अपन निकालते हैं जैसे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और अपन अगर को निकालना है न्यूट्रॉन तो n बराबर होता है z माइनस ए या a माइनस जेड सॉरी a माइनस जेड ए तो आपके पास होता है द्रव्यमान जेड होता है आपका परमाणु क्रमांक तो इस तरीके से आप न्यूट्रॉन निकालते हैं ठीक है तो आज जो है अपन निकालेंगे कि किस परमाणु के अंदर कितना वेट होता है कितना द्रव्यमान होता है तो अपन बात करेंगे हाइड्रोजन से लेके जिंक तक कहां से लेकर कहां तक बात करेंगे अपन हाइड्रोजन से लेके जिंक तक की अपन जो है बात करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है देखो मैं आपको एक चीज बताऊं पहले तो ट्रिक बताता हूं मैं आपको अगर यहां पर मोलर द्रव्यमान आपको निकालना है मोलर द्रव्यमान आपको क्या करना है निकालना है तो जिस एटम का जिस परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या जेड परमाणु कर्मांक अगर विषम के अंदर है किसमें है विषम में तो क्या करेंगे आप अगर किसी परमाणु का परमाणु कर्मांक विषम संख्या में जैसे एक तीन पांच सात नौ वगैरह ग्यारह तो क्या करेंगे आप इनके परमाणु कर्मांक को दो से गुणा करेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे जैसे हाइड्रोजन तो एक्सेप्शन है यहाँ पर तो इसका एक होता है तो इसका एक ही रहेगा जैसे मैं बात करूं हीलियम और लिथियम की बात कर रहा हूं मैं तो लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है यहाँ पर इवन के अंदर है सॉरी ऑड नंबर है मतलब विषम के अंदर है तो अगर विषम में है तो आप किसके परमाणु क्रमांक को दो से गुणा करेंगे क्या करेंगे देखो तो परमाणु क्रमांक को अगर किसी परमाणु का परमाणु कर्मांक विषम में है तो उसके लिए मोलर द्रव्यमान क्या होगा मोलर मास तो परमाणु कर्मांक को आप क्या करेंगे दो से गुणा करेंगे और एक उसके अंदर जोड़ देंगे क्या करेंगे दो से तो गुणा करेंगे और एक उसके अंदर आप एड कर देंगे जैसे लिथियम है जैसे लिथियम है आपके पास तो लिथियम का परमाणु क्रमांक तीन होता है विषम संख्या है तो तीन के अंदर आप दो से पहले गुणा करेंगे क्या करेंगे पहले तो तीन दूनी छ और छह में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा सात हो जाएगा बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जो हाइड्रोजन ही कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन यह आपके पास दस एलिमेंट है चलो नियन नहीं दिख रहा आपको तो मैं ऊपर लिख देता हूँ उसको यहां पर आ गए नियोन फिर सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फोस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम ठीक है माय डियर स्टूडेंट तो अपन इस तरीके से जो है अपन निकालते हैं अब आप क्या करेंगे जो ओड नंबर में है ना जिनका परमाणु क्रमांक विषम में है जैसे ये तीन ये चार है ये पांच है ये छह ये सात ये आठ और ये नौ फिर ये दस पे दस तक रखते हैं जैसे बोरोन की बात करें बोरोन विषम के अंदर है किसमें है विषम में है? तो विषम में है तो आप क्या करेंगे परमाणु क्रमांक पांच है पांच को दो से गुणा करेंगे दस हो जाएंगे दस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ग्यारह तो बोरोन का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा आपके पास ग्यारह हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स अब मैं बात करू नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन की अगर बात की सात होता है इसका परमाणु क्रमांक तो सात को क्या करेंगे आप दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए चौदह हो गए एक जोड़ेंगे तो पंद्रह लेकिन ये एक्सेप्शन है एक्सेप्शन कौन कौन है यहां पर मैं यहां लिख रहा हूं एक चार सात सत्रह अठारह ये एक मात्र है जिनके अंदर चेंजमेंट आएगा जैसे एक है इसका होना चाहिए था एक को आप जो एक से गुणा करेंगे एक को दो से गुणा करेंगे तो दो आएंगे दो में एक जोड़े तो तीन आना चाहिए लेकिन कितना आता है इसका एक तो एक्सेप्शन है ठीक उसी तरह यहाँ पर चार की बात करें और सात सात नंबर पे कार्बन है आना चाहिए था पंद्रह लेकिन कितना आता है चौदह आता है इसका कितना आता है स्टूडेंट इसका चौदह परमाणु द्रव्यमान इसका जो है होता है क्लियर है स्टूडेंट्स अब अपन बात करें फ्लोरीन की नौ नंबर पे आता है ये तो फ्लोरीन के अंदर क्या करेंगे आप फ्लोरीन को दो से गुणा करेंगे नौ नंबर है विषम संख्या है तो दो से गुणा करेंगे तो नौ दुनिया अठारह अट्ठारह में क्या कर देंगे एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा इसका उन्नीस इसका जो है परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है ठीक है जैसे सोडियम की बात करूं मैं मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम ये है ठीक है अब है सोडियम सोडियम के अंदर अपन सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम ग्यारह नंबर पे आता है इसका परमाणु दरमान यानी परमाणु क्रमांक ग्यारह है दो से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे देखो दो से मल्टीप्लाई करेंगे दो टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी टू बाईस हो गए बाईस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा इसका तेईस हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स जैसे एल्युमिनियम की बात की तो एल्युमिनियम के अंदर क्या करना है आपको देखो ओड नंबर है ना इवन नंबर सॉरी ओड नंबर है विषम संख्या में तो विषम संख्या में तो दो से गुणा करेंगे और दो का एक जोड़ देंगे तो तेरह को दो से गुणा करो छब्बीस छब्बीस में एक जोड़ दो इसका कितना आएगा आएगा। सत्ताईस सत्ताइस की बात करें पंद्रह तीस और एक इकतीस आएगा कलोरिन की बात करें वो सत्रह एक्सेप्शन आ गया सत्रह एक्सेप्शन सत्रह दूनी चौतीस में एक जोड़ दो पैंतीस होना चाहिए पैंतीस लेकिन कितना होता है पैंतीस पॉइंट पांच होता है क्लेवे स्टूडेंट्स हम बात करें आर्गन की आर्गन 18 नंबर पे आता है चलो आर्गन की बाद में बात करेंगे पोटेशियम 38 होता है इसका डबल करेंगे तो एक जोड़ देंगे तो उनचालीस इस तरीके से जो है अपन यहाँ पर निकालते हैं अगर विषम संख्या में परमाणु क्रमांक आ रहे हैं तो उसका इस तरीके से लिखते हैं दो से गुणा करके उसमें एक ऐड कर देंगे क्लियर तो ये तो बात रही इसकी अगर परमाणु कर्मांक आपका परमाणु कर्मांक अगर सम में आ गया किस में आ गया? में आ गया नंबर गया सम नंबर के अंदर आ गया तब क्या होगा देखेंगे आप तब आप मोलिकुलर मास या मोलर मास को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे जो आपका परमाणु कर्मांक जो होता है क्या परमाणु कर्मांक जो होता है उसको ओनली टू से ही मल्टीप्लाई करना है बस अगर सम संख्या में अगर आ रहा है तो परमाणु कर्मांक को दो से गुणा करेंगे जैसे मैं बात करूं हीलियम की हीलियम दो नंबर पे आ रहा है ये दो नंबर पे आ रहा है तो इसका दो से मल्टीप्लाई करना है ओनली एक नहीं जोड़ना है तो इसको एक से दो से मल्टीप्लाई करो दो दुनिया चार ठीक है बेरिलियम की बात कर रहे हैं बेरिलियम को दो से मल्टीप्लाई करो सम संख्या में दो चार आठ दो चार छह आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस ये क्या होते हैं सारे सम नंबर होते हैं इवन नंबर होते हैं मतलब तो सम संख्या है तो ये बेरिलियम चार नंबर पे आ रहा है ये भी सम संख्या है तो क्या होगा यहाँ पर सम संख्या है तो इसको ओनली दो से मल्टीप्लाई करना करें तो आठ को दो चार को दो से गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर आठ आएगा लेकिन आठ नहीं होता इसका एक बढ़ जाता है इसका कितना होगा नो होता है याद रखना बात आप एक्सेप्शन है चार नंबर चार के अंदर तो क्या है एक बढ़ाना है एक बढ़ाना है जबकि नाइट्रोजन के अंदर एक घटाना है क्योंकि होना चाहिए था पंद्रह कितना होता है चौदह इसका होना चाहिए था आठ लेकिन कितना होता है नो होता है क्लियर है माय आइडियर स्टूडेंट तो इस तरीके से जो है अपन निकालते हैं यहाँ पर ठीक है अब बात करते हैं कार्बन की इवन नंबर अंदर है एने जो है सम संख्या में है तो छह दुनी बारह हो जाएगा इसका ठीक है ऑक्सीजन की बात करते हैं ऑक्सीजन का होना चाहिए था आठ नंबर पे आता है तो आठ को दो सौ गुणा कर कितना होगा सोलह तो सोलह इसका होता है ये क्या है एटोमिक मास इनको बोलते हैं या दो बोल दो मोलर मास या क्या बोलते हैं इसको परमाणु द्रव्यमान ऐसे भी बोल सकते हैं इसको ना परमाणु द्रव्यमान ठीक है ना यानी परमाणु का द्रव्यमान होता है ठीक है स्टूडेंट्स अब अपन बात करते हैं नियोन की नियोन की बात करना है तो नियोन दस होता है तो इसको इसका दो सौ करेंगे तो बीस हो जाएगा मैग्नीशियम बारह बारह चौबीस ठीक है अब सल्फर है सल्फर का बत्तीस और आपका आर्गन का कितना होना चाहिए था अठारह अठारह दस दूनी छत्तीस लेकिन कितना होता है इसका चालीस कितना होता है इसका चालीस होता है याद रखना बात आप ठीक है कैल्सियम का भी कितना होता है आपका चालीस होता है तो इस तरीके से जो है अपन एटॉमिक मास निकालते हैं अब अपन बात करें स्कैंडियम से लेकर जिंक की क्या बात करेंगे अपन स्कैंडियम से लेकर जेड की बात करते हैं क्या बात कर रहे हैं अब स्कैंडियम से जरन की तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम स्केन टाइ वाले क्रीम मांगे फिर कोई निकला कॉपर जिंक स्कैंडियम इक्कीस पे बाईस फे, फे, पे तेईस पे चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस बड़तीस और तीस ठीक है स्टूडेंट्स अब मैं बात करू स्म की स्कैंडियम की बात करता हूं मैं जैसे इसके अंदर कैसे आपको करना और ट्रिक है आप याद करेंगे यहां पर देखो टू प्लस वन को जोड़ो कितना आएगा थ्री कितना आएगा थ्री अब जो तो तीन है ना तीन वो जो है पैंतालीस को तीन बार लिखना है यहाँ पैंतालीस मतलब चार पांच एक बार हो गया और चार पांच दो बार हो गया और ये चार पांच तीन बार हो गया यानी जो तीन जो है तीन पैंतालीस को पहले तीन लिखना है फिर चार पांच तीन चार पांच फिर चार पांच फिर चार पांच समझ गए क्या आप तरह लिखना है आपको फिर पांच 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 यानी तीन जो है ना पैंतालीस पैतालीस एक पैंतालीस दो पैंतालीस तीन तो पैंतालीस जो है ना वो तीन बार लिखना है आपको, आपको तीन बार कितना लिखना है आपको? 45। फिर आखिर के अंदर परमाणु क्रमांक का डबल करके अपन क्या कर देंगे इसका एड कर देंगे जैसे इक्कीस इक्कीस का डबल करो आप कितना आएगा बयालीस तो बयालीस और तीन कितना हो गए पैंतालीस मतलब इसके स्केंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है एटॉमिक मास कितना होता है स्केंडियम का एटॉमिक मास पैंतालीस होता है टाइटेनियम बाईस दूनी चौवालीस तो चौवालीस में चार जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा चौवालीस में चार जोड़ो अड़तालीस हो जाएंगे सही है ना अब ये क्या है देखो तेईस है तो तेईस दूनी कितने हो गए छियालीस छियालीस में पांच जोड़ेंगे तो कितने हो गए इक्यावन क्या आपको जैसे ये है चौबीस दून अड़तालीस अड़तालीस में चार जोड़ेंगे तो बावन इसका एटोमिक नाम न, इ, इसका जो है वेट कितना आएगा बावन आएगा ठीक है स्टूडेंट्स मेगनीज है तो इसका कितना है पचास पचास में पांच जोड़ देंगे तो पचपन जैसे इसका होता है बावन बावन में दो चार जोड़ देंगे तो छप्पन इसका होता है चौवन तो में पांच जोड़ देंगे तो फिफ्टी नाइन आएगा ठीक है स्टूडेंट्स अरे ठीक है ना तो इस तरीके से निकल है आपके पास निकल के अंदर होता है फिफ्टी सिक्स आप जो इसमें पांच जोड़ेंगे तो कितना आएगा कितना आएगा सिक्सटी वन और इसके अंदर आप जो है फिफ्टी एट के अंदर पांच जोड़ेंगे तो कितना आएगा इसके अंदर सिक्सटी थ्री ठीक है कॉपर का सिक्सटी थ्री होता है और इसके अंदर पांच जोड़े होता है कितना का सिक्सटी फाइव आएगा इस तरीके से स्टूडेंट जो है एटॉमिक नंबर आपको तो लिखना पड़ता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्लियर है माय डियर स्टूडेंट तो आप लोग जो है इनको बहुत अच्छी तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं इनका यूज कहाँ कर लेते हैं जैसे आपको दे दिया H2O क्या दे दिया आपको इस एच टू का जो आपको वेट निकालना है तो अब आपको इंडिविजुअल निकालना है जैसे हाइड्रोजन दो है तो एक हाइड्रोजन का एक होता है दो का कितना हो गया दो प्लस ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन का सोलह आता है तो दो एक ऑक्सीजन का सोलह है तो सोलह दूनी कितना हो गया सोलह और दो कितना हो गए अठारह इस तरीके से यूज में देते हैं जैसे मैंने कहा एस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हाइड्रोजन का होता है एक क्लोरीन का पैंतीस तो कितना होगा इसका छत्तीस पॉइंट पांच इसलिए यहाँ पर यूज में लेते हैं अपन इनको इसीलिए जो है इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से जो है अपन को यहाँ पर निकालना पड़ता है ठीक है माई डेयर स्टूडेंट तो आप जो है इनको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करें इनको याद करें और याद करने के बाद जो है आप इनको क्वेश्चन के अंदर कोई भी अनुसूत्र वगैरह जो है ना उसके अंदर लगाए लगाने के बाद बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट ठीक है स्टूडेंट्स अगले लेक्चर के अंदर इनकी ऑक्सीकरण अवस्था और भी बहुत सारे बेसिक टॉपिक होते हैं उनके ऊपर अपन बात करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच